नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेएम कार ड्राइव की एक और नई वीडियो में। जुलाई 2022 में बिकी टू व्हीलर्स की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको जुलाई के महीने में मतलब पिछले महीने बिकी टॉप 10 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही हम इसे कंपेयर भी करेंगे पिछले साल की कि इन सभी गाड़ियों की सेल पिछले साल से कितनी कम हुई है या फिर कितनी ज़्यादा हुई है। और वैसे ना इस महीने टू व्हीलर की सेल काफ़ी ज़्यादा हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है, इसलिए इस लिस्ट में कुछ नई गाड़ियाँ आपको देखने को मिलने वाली है और शायद कुछ आपकी फेवरेट गाड़ियाँ इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। वैसे आपकी टू व्हीलर सेगमेंट में कौन सी गाड़ी सबसे फेवरेट है, आपको सबसे बेहतर लगती है, कमेंट जरूर करिएगा। अब कौन कौन सी गाड़ियाँ इस लिस्ट से बाहर हो गई है जो कि पिछले महीने टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में थी, उसके बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 10th पोजीशन पर आई है TVS XL। TVS XL की जुलाई के महीने में 32,117 यूनिट्स बिकी है। यहाँ पे एक यूनिट से मतलब होगा एक गाड़ी की, मतलब TVS XL की जुलाई के महीने में 32,117 गाड़ियाँ बिकी है। हालांकि पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो जुलाई 2021 से TVS XL की इस साल 17,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ कम बिकी है। अब TVS XL की इस साल बिक्री क्यों कम हुई है, इसमें काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग रीज़न के बारे में बात करूँ तो TVS XL के जो बायर है वो ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, लेकिन कुछ बायर्स ऐसे भी हैं जिन्हें बेहतर लोडिंग कैपेबिलिटी चाहिए जो उन्हें TVS XL के अलावा दूसरी गाड़ियों पर नहीं मिल सकती, इसलिए TVS XL टॉप 10 की लिस्ट में आई है इस महीने। 9th पोजीशन पर आती है होंडा डियो। होंडा डियो की जुलाई के महीने में 36,229 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग 15,500 यूनिट्स ज़्यादा बिकी है होंडा डियो की इस साल। होंडा डियो की सेल काफ़ी अच्छी हुई है। होंडा डियो अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतर गाड़ी भी है, एक स्पोर्ट एलिमेंट के साथ आती है, बेहतर लुक, बेहतर रोड प्रेजेंस आपको मिल जाता है और साथ ही इस गाड़ी में आपको शानदार माइलेज भी देखने को मिल जाता है। अगर आप भी बेहतर माइलेज वाली स्कूटर या फिर बेहतर माइलेज वाली मोटरसाइकिल्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने बेस्ट माइलेज वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और शायद आपके बहुत ज़्यादा काम के भी वीडियो होने वाले हैं। 8th पोजीशन पर आई है सुजुकी एक्सेस 125। जी हाँ, 125 सीसी सेगमेंट में काफ़ी शानदार गाड़ी है, लुक्स काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी स्मूथ राइड होती है सुजुकी एक्सेस 125 की, जिसकी जुलाई के महीने में 41,440 यूनिट्स बिकी है। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 5,500 यूनिट्स कम बिकी है सुजुकी एक्सेस 125 की। 7th पोजीशन पर आई है बजाज प्लेटिना। बजाज प्लेटिना के काफ़ी सारे वेरियंट आपको मार्केट में मिल जाते हैं। बजाज प्लेटिना की जुलाई के महीने में 48,484 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल के तुलना में बजाज प्लेटिना की भी लगभग 6,000 यूनिट्स कम बिकी है। 6th पोजीशन पर आई है TVS जुपिटर। TVS जुपिटर की जुलाई के महीने में 62,094 यूनिट्स बिकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में, पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 24,000 यूनिट्स ज्यादा बिकी है TVS जुपिटर की। TVS जुपिटर भी एक अच्छी गाड़ी है। जी हाँ, ये गाड़ी 110 और 125 सीसी सेगमेंट में आपको मिल जाती है। काफ़ी शानदार लुक्स, काफ़ी शानदार रोड प्रेजेंस और बेहतर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के साथ बेहतरीन माइलेज भी आपको TVS जुपिटर में मिल जाता है। 5th पोजीशन पर आई है हीरो HF डिलक्स, जिसकी जुलाई के महीने में 97,451 गाड़ियां बिकी है। पिछले साल से लगभग 9,000 कम यूनिट्स बिकी है हीरो HF डिलक्स की। 4th पोजीशन पर आई है बजाज पल्सर। बजाज पल्सर की 125 सीसी सेगमेंट से लेकर 100 सीसी तक की गाड़ियां आपको भारतीय बाजार में मिल जाती है। बजाज पल्सर की जुलाई के महीने में 101,905 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 36,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकी है इस साल बजाज पल्सर की। वैसे बजाज पल्सर के कौन से सेगमेंट की गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, उसका नाम कमेंट कर मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। 3rd पोजीशन पर आई है होंडा सीबी शाइन। होंडा सीबी शाइन और होंडा SP 125 की ये कंबाइंड सेल रिपोर्ट होने वाली है। दोनों ही गाड़ियों की मिला करके मैं आपको ये सेल रिपोर्ट बता रहा हूँ। जब से होंडा SP 125 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है, होंडा सीबी शाइन की सेल रिपोर्ट काफ़ी बेहतर हो चुकी है इस समय। होंडा सीबी शाइन की जुलाई के महीने में 114,663 यूनिट्स बिकी है। हालांकि पिछले साल के तुलना में लगभग 1400 यूनिट्स कम बिकी है, लेकिन फिर भी होंडा सीबी शाइन इस समय थर्ड पोजीशन पर, थर्ड बेस्ट पोजीशन पर डली हुई है।
वैसे ये जो सेल फिगर आपको कम दिख रही है ना, इसमें सीधा सीधा हाथ है टीवीएस राइडर का। जी हाँ, होंडा एसपी 125 अपने सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है, कहीं ना कहीं टीवीएस राइडर 125 एक बेहतरीन टक्कर दे रही है होंडा एसपी 125 को इस सेगमेंट के अंदर। वैसे आपको होंडा एसपी 125 या फिर टीवीएस राइडर 125 दोनों में से कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर लगती है बताइएगा जरूर कमेंट करके। सेकेंड पोजीशन पर आई है होंडा एक्टिवा। होंडा एक्टिवा के भी दो वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, पहला 110cc और दूसरा 125cc। पहला सेगमेंट 110cc जो आता है होंडा एक्टिवा 6G के नाम से, जो आपको काफ़ी बेहतरीन माइलेज भी निकाल कर दे देता है, वही होंडा एक्टिवा 125 बेहतरीन लुक्स और रोड प्रेजेंस और काफ़ी बेहतरीन इंजन के साथ आपको मिलता है। होंडा एक्टिवा की जुलाई के महीने में 213,807 213,807 यूनिट्स बिकी है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 51,000 के आसपास ज्यादा यूनिट्स बिकी है होंडा एक्टिवा की। इस साल होंडा एक्टिवा की मांग शुरू से ही काफी बेहतर है और लोग बाग इस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं और ये गाड़ी काफी ज्यादा रिलायबल भी है अपने सेगमेंट में। और टॉप पोजीशन पर आई है हमेशा की ही तरह हीरो स्प्लेंडर। हीरो स्प्लेंडर के भी काफी सारे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं भारतीय बाजार में। जुलाई के महीने में हीरो स्प्लेंडर की 250,409 250,409 यूनिट्स बिकी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में सिर्फ 385 यूनिट्स कम बिकी है हीरो स्प्लेंडर की इस साल। तो चलिए उन गाड़ियों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जो गाड़ियां जून 2022 में तो इस लिस्ट में थी लेकिन जुलाई के महीने में मतलब पिछले महीने इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। तो पहली गाड़ी है हीरो ग्लैमर, जिसकी जून 2022 में लगभग 30,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी थी, जो कि जुलाई के महीने में इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। दूसरी गाड़ी है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, जिसकी जून के महीने में लगभग 25,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी थी और इस महीने इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। तीसरी गाड़ी है यामाहा एफजी सीरीज, जिसकी लगभग 19,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी थी जुलाई 2022 में, जो कि इस महीने बाहर हो चुकी है। चौथी गाड़ी है हीरो पैशन। हीरो पैशन की लगभग 18,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी थी जुलाई के महीने में और इस महीने इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। और पांचवी और आखिरी गाड़ी है स्पोर्ट्स सेगमेंट में आने वाली टीवीएस अपाचे। हालांकि टीवीएस अपाचे की 15,000 से 16,000 यूनिट्स आराम से बिक जाती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि दूसरी सभी गाड़ियों की सेल काफी ज्यादा हुई है, इसलिए इन सभी गाड़ियों के साथ साथ टीवीएस अपाचे भी इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ड्राइव सेफ। जय हिंद।